एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जहां दोस्तों कर्नाटक उपचुनाव को लेकर चार बड़ी कंपनियों ने अपना एग्जिट पोल दिया है। जहां दोस्तों 15 सीटों के लिए ये बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर उपचुनाव के बाद क्या होगा, किसकी बनेगी सरकार, क्या बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी या नहीं, इसके लिए बीजेपी को 6 सीटें चाहिए। अगर आपको वर्तमान के मौजूदा जो यहाँ पर विधायक उनकी अगर आपको टोटल आंकड़े दिखाएं तो कुल 207 प्लस 15 सीटों पर जो यहाँ पर वोटिंग की गई उसके बाद 222 का आंकड़ा हो जाता है और बहुमत के लिए चाहिए 112 सीटें, लेकिन बीजेपी के पास हैं 106 सीटें। ऐसे में बीजेपी को 6 सीटें और चाहिए तब जाकर वो सत्ता में बरकरार रहेगी। वहीं कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए, कांग्रेस और जेडीएस का जो गठबंधन है उसके लिए आप देख सकते हैं कि बीजेपी के लिए 106, कांग्रेस 66 और जेडीएस 34 को मिला दिया जाए 100 हो जाता है और इसके लिए 112 का आंकड़ा चाहिए, मतलब 12 सीटें कांग्रेस जेडीएस को चाहिए तब जाकर वो सरकार में वापसी करेंगी। तो चार बड़ी कंपनियों का एग्जिट पोल क्या कहता है, कर्नाटक में कौन जीतेगा, क्या यहां पर बदलाव देखने को मिलेगा, इसलिए चार बड़ी कंपनियों ने अपने एग्जिट पोल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सी वोटर का सर्वे क्या कहता है। जहां दोस्तों आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के लिए 15 सीटों के लिए जो एग्जिट पोल आया उसके अनुसार बीजेपी को 12 सीटें यहां पर जा सकती हैं और यहां पर कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें जा सकती हैं इस एग्जिट पोल के अनुसार, और जेडीएस के लिए एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। भाई पब्लिक टीवी एग्जिट पोल के अनुसार यहां पर कर्नाटक जो निश्चल है उसके अनुसार कि 8 से 10 सीटें इनके खाते में जा सकती है बीजेपी के खाते में, वहीं यहां पर कांग्रेस को 3 से 5 सीट जा सकती हैं। जेडीएस की बात करें तो यहां पर 102 सीटें यहां पर जेडीएस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और अगर यहां पर बात करें तो बीटीवी एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 9 और कांग्रेस के लिए 3 और जेडीएस के लिए 2 सीटें यहां पर जाती नजर आ रही हैं। पावर टीवी एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 8 से 12 सीटें जाती नजर आ रही हैं, कांग्रेस के लिए 3 से 6 सीटें जा सकती हैं, वह जेडीएस को 0 से 2 सीटें यहां पर आती नजर आ रही हैं। इन 15 सीटों में किस दल को कितनी सीटें जा सकती है तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और बहुत जल्द यहां पर जो रिजल्ट उसके साथ मिलेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।